नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज हम बनाने वाले हैं टूटी फूटी की रेसिपी। ये मजेदार टूटी फूटी को आप केक्स में, डेजर्ट्स में, मिल्क शेक्स में और थोड़े पुडिंग्स में सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है वाटरमेलन के पीसेस। वाटरमेलन के पीसेस को लेकर ग्रीन कलर का जो स्किन रहता है वाटरमेलन पर, हम उसे नाइफ के मदद से हटा रहे हैं। आप भी इसी तरह से स्किन को पील ऑफ कर लीजिएगा। अब हम रेड कलर पोर्शन जो बचा हुआ है उसे भी हम पील ऑफ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरह से हमने सभी पीसेस को कट कर लिया था और आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो बचा हुआ रेड कलर का लेयर दिख रहा है उसे भी हम पील ऑफ कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से सभी पीसेस को स्किन पील ऑफ करके दो हिस्सों में बांटकर, यानी कि एक पीस को बीच में कट लगा के इस छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने छोटे छोटे टूटी फूटी के जैसे पीसेस में कट कर लिया है और एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर रहे हैं। आप भी इसी तरह से कीजिए। अब हम इस टूटी फूटी पीसेस में 2 glasses ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं। हमने यूज किया है बड़ी ग्लास, तो थोड़ा सा हाई फ्लेम रखिए। इस टूटी फूटी में एक बॉईल आने के बाद 8 से 10 मिनट तक इस टूटी फूटी के पीसेस को कुक कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉईल आ गया है। थोड़ा सा स्टिर करके हम फिर से लिड लगा के 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। 8 से 10 मिनट तक कुक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे टूटी फूटी के पीसेस जो है कलर चेंज हो गया है, यानी कि ट्रांसपेरेंट बन गए हैं। आपको भी इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। आपके टूटी फूटी पीसेस ट्रांसपेरेंट बनने के बाद आप स्टोव ऑफ कर लीजिएगा। अब हम इस टूटी फूटी में जो वाटर बचा हुआ है, यानी कि एक्सेस वाटर को करछी के मदद से स्ट्रेन ऑफ करके एक यूटेंसिल में ट्रांसफर कर रहे हैं हम। तो दूसरी तरफ हमने कढ़ाई ली है और ऐड किया है 1 tea cup ऑफ शुगर, यानी कि चीनी। अब हमने ऐड किया है 2 tea cups ऑफ वाटर। हमने यहाँ पे वाटर डबल लिया है। अगर आप एक हिस्सा चीनी डाल रहे हैं तो उसका दुगना वाटर लीजिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इस फेस पर हम हमारे जो टूटी फूटी बॉयल टूटी फूटी है इस छांछनी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लिड कवर कर रहे हैं हम यहाँ पे।
थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखिए। लिड कवर कर कर यहाँ पे छाँछनी में एक बॉईल आ चुका है। एक बॉईल आने के बाद 8 से 10 मिनट तक कुक कर लीजिएगा। यहाँ पे इस फेस पर आप इस टूटी फूटी को चख सकते हैं। हमारे टूटी फूटी बिल्कुल जूसी बनकर रेडी है, तो हम स्टोव ऑफ कर लेंगे और इस टूटी फूटी को थोड़े से ठंडे होने के बाद 4 बाउल्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब हमने 4 बाउल्स में ट्रांसफ़र कर लिया है हमारे टूटी फूटी के पीसेस को, तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कलर। हमारे पास ऑरेंज फूड कलर था तो एक बाउल में ऐड कर रहे हैं। दूसरे बाउल में भी हम ऑरेंज कलर ही ऐड कर रहे हैं। आपके पास अगर कोई दूसरा कलर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब दूसरे बाउल में हमने ऐड किया है ग्रीन कलर, यानी कि ग्रीन फूड कलर। अब अच्छे से टूटी फूटी को कलर में मिक्स कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड एक बॉल में हमने कलर मिक्स नहीं किया। आप अगर कलर मिक्स करना नहीं चाहते तो इस तरह भी कंज्यूम कर सकते हैं। इस तरह बॉल्स पे कलर सिरप में आप 12 आवर्स तक स्टोर कीजिएगा। अब 12 आवर्स होने के बाद हमने एक प्लेट लिया है और हमारे टूटी फूटी को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टूटी फूटी, ये है प्लेन टूटी फूटी। अब यहाँ पे हम ऑरेंज कलर टूटी फूटी को एक्सेस सॉल्यूशन जो है उसे स्ट्रेन ऑफ कर रहे हैं। स्ट्रेन करने के बाद इसे भी हम एक ट्रे में लेकर अलग अलग से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इसी प्रोसेस को आप ग्रीन कलर से भी रिपीट कीजिए। यहाँ पे हमने सभी कलर टूटी फूटी को सेपरेट कर लिया है ताकि वो अच्छे से सूखे। धूप में सूखने के बाद इस तरह आपकी टूटी फूटी दिखने लगेगी। टूटी फूटी धूप में आप एक दिन तक रख सकते हैं। अब यहाँ जो टूटी फूटी नज़र आ रही है उसे हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है। रूम टेम्परेचर पे आप 7 से 8 घंटे तक रख सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।